सेकेंड नंबर पे पूछा है गिव एग्जांपल्स देन तीसरी बात जो इसमें पूछी गई है कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन मोल एंड नंबर तो इस एक क्वेश्चन में तीन चीजों को हम लोगों ने डिस्कस करना है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेफिनेशन करेंगे एवोगाड्रोस नंबर की एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है द नंबर ऑफ एटम्स

जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उसे हम एवोग्रोज नंबर बोलते हैं और वो सब्सटेंस कोई भी हो सकता है वो एलिमेंटल फॉर्म में भी हो सकता है वो मेलेक्यूलर फॉर्म में भी हो सकता है वो आयनिक सब्सटेंस भी हो सकता है वो ए नाइंस और के टाइम भी हो सकते हैं यानी कि कोई भी केमिकल स्पीशी हो सकती है एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू जो होती है फिक्स होती है विच इज सिक्स पॉइंट जीरो इसकी फिक्स वैल्यू है नेक्स्ट जो पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप रिलेशनशिप क्या बनता है बिटवीन द मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर ठीक है मोल्स और मोल नंबर के रिलेशनशिप को के मतलब हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करना है तो रिलेशनशिप हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एक मोल कोई भी सब्सटेंस हो उसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं विच इज सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री ट्वेंटी थ्री कैसे इसको हमने लिखेंगे एवोगाड्रोस नंबर एंड मोल हैज ए फिक्स रिलेशनशिप दैट्स मीन वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज 6.023 10^2 टू पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस नेक्स्ट हम लोगों ने इसी में बताना है इसके एग्जांपल्स को तो एग्जांपल्स इसके किस तरह से कोट की जाएंगी जैसे कि हमारे पास पहली एग्जांपल यहां पर कोट की गई है कि कि अब ये जो पहली example है, ये जो है, है एक elemental substance को हम लोगों ने लिया यानी है, के, के हैं। तो अगर मेरे पास एक mole oxygen atom होगा, तो उसमें मौजूद होंगे इसी तरह से अगर मैं एक मोल ऑक्सीजन अब मैं मॉलिक्यूल ले रही हूँ तो उसके अंदर भी नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे विच विल बी

वो होगा कि वन मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड जो होता है उसमें फार्मूला यूनिट्स होते हैं ना कि मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन फोर बी क्वेश्चन हमारे पास डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड हमने एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड में फर्क करना है सबसे पहले हम लोग एक्चुअल को देख लेते हैं उसके दो पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर है हमारे पास द क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट दैट इज एक्चुअली गेट इन द केमिकल रिएक्शन इज कार्ड एक्चुअल केमिकल रिएक्शन के दौरान एक्चुअली जो हम लोगों को हासिल हो रही होती है प्लांट्स में फैक्ट्रीज में उसको हम लोग एक्चुअल बोलते हैं और एक्चुअल जो होती है बास केमिकल रिएक्शंस की हमेशा ये कम होती है किससे थ्योरेटिकल यील्ड से, से ठीक है तो ये दो पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसके मुकाबले में जब हम लोग बात करेंगे थ्योरेटिकल यील्ड की तो थ्योरेटिकल यील्ड्स के कौन से दो पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे द फर्स्ट वन डेफिनेशन लिखेंगे हमारे पास ठीक है द क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड ए थ्यूरेटिकल यील्ड ये वो क्वांटिटी जो कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम लोग हासिल करते हैं उसको हम यील्ड कहते हैं और की जो अमाउंट होती है वो एक्चुअल के मुकाबले में बाज रिएक्शंस में हमेशा ज़्यादा ही निकलती है ठीक है तो ये हमारे पास फर्क हो गया एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड में नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव ए व्हाट डू यू नो अबाउट द परसेंटेज कंपोजिशन हाउ विल यू डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन द सब्सटेंस परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में हम लोगों ने बताना है ठीक है फिर उसको किन स्टेप्स के जरिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं उन स्टेप्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जी आंसर को कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन क्या चीज होती है द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट इन ए कंपाउंड व्हेन एक्सप्रेस इन परसेंटेज इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन क्या है हमारे पास के एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनकी मकदार को जब हम एक दूसरे के लिहाज से देखते हैं वो किस किस परसेंटेज में मौजूद है तो हम उसको बोलेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ठीक है ये इसकी हो गई डेफिनेशन नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि किन स्टेप्स के जरिए हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट करते हैं कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ इच एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज डिटर्मिंड इन टू स्टेप्स ठीक है दो स्टेप्स के जरिए क्या की जाती है परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट किया जाता है पहला स्टेप हमारे पास क्या है कैलकुलेट द मोलर मैस ऑफ कंपाउंड सबसे पहले तो जिस कंपाउंड में हर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी होती है उस पूरे कंपाउंड का मोलर मैस निकाल लेते हैं देन हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट द परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन वन मोल ऑफ द कंपाउंड ठीक है हर एक एलिमेंट की वन बाय वन करके उस कंपाउंड के अंदर परसेंटेज को फाइंड आउट किया जाता है स्टूडेंट्स जो फार्मूला अप्लाई होता है हर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट करने के लिए वो फार्मूला हमारे पास क्या है परसेंटेज़ ऑफ वन एलिमेंट इज इक्वल टू मैस ऑफ एलिमेंट इन वन मोल ऑफ द कंपाउंड एक कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट के का कितना मैस मौजूद है उसको हम डिवाइड कर देते हैं मोलर मैस ऑफ द कंपाउंड मुकम्मल जो कंपाउंड है उसके मोलर मैथ से उसको डिवाइड कर देते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं हंड्रेड से क्योंकि हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो ये फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट द कंपाउंड नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स बी है सिक्स ए है पार्ट हाउ यू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में से हम लोग थ्योरेटिकल यील्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं और परसेंटेज यील्ड कैसे फाइंड आउट किया जाता है जी स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड कैसे निकाली जाती है थ्योरेटिकल यील्ड हमें पता है कि स्टिश्योमेट्रिक के जरिए हम लोग निकालते हैं मोल टू मोल रेशियो फाइंड आउट किया जाता है तो हम इसको कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे थ्योरेटिकल यील्ड इज डिटरमिन्ड बाय बायसूमेट्रिक कैलकुलेशन बाय यूजिंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ठीक है मोल टू मोल कंपेरिजन इज कैरीड आउट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान मोल टू मोल कंपैरिजन हम लोग निकाल लेते उसी से फिर हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड निकलती है इस तरीके से हम इसको अटेम्प्ट करेंगे देन परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज येल्ड को कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्चुअल डिवाइडेड बाय यील्ड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो इस फार्मूला के जरिए हम लोग क्या करते हैं परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करते हैं एक्चुअल यील्ड न्यूमेरिकल डेटा में गिवन होगा क्योंकि ये हमारे पास वो यील्ड होती है जो हमें किसी प्लांट प्लांट में एक्चुअली हासिल हो रही होती है यील्ड हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकालेंगे और उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे हंड्रेड से इस तरह से हमारे पास परसेंटेज हमें हासिल हो जाती है तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या थे तमाम एक्सरसाइज के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे जो आज हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी अगर किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं शुक्रिया इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल